विदाउट उसको जांच किया, प्लीज उसको स्प्रेड मत कीजिए। पुलिस को कल जो फीमेल पुलिस कर्मचारी थी दो थी, उनको मैंने बुलवाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था, इसीलिए फीमेल कर्मचारी कल मेरे घर पे आए। मैम आपकी मदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एमएमआरडी कर्मचारी उससे झगड़ा करते उनके अपना अभ्यास दिखाते हुए नजर आ रही है, क्या कहेंगे? उस विषय में आप मुझसे रिलेटेड जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उस विषय में मैं एक्चुअली कुछ कमेंट नहीं कर सकती। आपने बुलाया था कि इस केस से जुड़ा हुआ मामला है या क्या मामला था? मैं अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, बट जब भी वो होगा तो सबके सामने जो भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हिडन है, जो भी है सबके सामने। मैम कमेटी ने आपको कब तक बुलाया स्टेटमेंट के लिए? क्या कमेटी की ओर से कोई नोटिस आया? जो कमेटी का कम्युनिकेशन होता है आपको भी पता है, इसको फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस रखने के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसीलिए ये पब्लिक के साथ या मीडिया के साथ ये शेयर नहीं किया जा सकता। मैडम तुम्हारा कमेंट मैं नहीं कर सकता। मैम आपके पेरेंट्स से कोई बातचीत आपकी हुई है? मैम आपके कई सर्टिफिकेट सामने आए हैं जिसमें आपके एज नजर आ रही है, आपके एज डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। See, the committee is set up for that. Whatever is there, whatever are the documents, whatever my submission is there, whatever their experts will decide, they will decide it. And I think we should wait for the decision of the committee and we should respond. आपला वेळ तुमचे वेगवेगळे नावाने तुमचे हे डॉक्युमेंट दिले आणि तुम्ही एग्जाम दिली असं म्हणून आरोप आहे. मी तुम्हाला म्हणते की कमिटी समोर आता जर तुम्ही म्हणताय तर कमिटी समोर येईलच ना ती गोष्ट. पण दररोज नवीन नवीन आरोप होत आहेत, दररोज नवीन नवीन फेक गोष्टी समोर येत आहेत. तेच मी तुम्हाला सांगते की फेक न्यूज. अच्छा अच्छा, याच्यामध्ये कोणी प्लॅन नाही. हा, कोणाचा हात आहे, कोणावर आरोप आहे? कारण की अनेक वेळा तुमच्या संबंधितच विषय असे बाहेर निघत आहेत. हा, आता तुम्हीच बघा की रोज काहीतरी नवीन, असं कुठला व्यक्ती असतो की ज्याचं रोज काहीतरी नवीन असतं. मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड केली जाते आणि प्लीज हे माझं खूप जास्त डिफेमेशन होत चाललेलं आहे. माझं प्लीज रिक्वेस्ट आहे मीडियाला सुद्धा की प्लीज एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया म्हणून तुम्ही बिहेव करा. माझा मीडियावर खूप भरोसा आहे, वी यूज इट फॉर व्हेरियस गव्हर्नमेंट इंटरव्हेन्शन ऑल्सो. सो मीडिया इज कन्सिडर्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. जेव्हा असं असताना माझी मीडियाला पण रिक्वेस्ट आहे की प्लीज तुम्हाला जी काही इन्फॉर्मेशन मिळेल ती तुम्ही प्लीज मिस इन्फॉर्मेशन म्हणून स्प्रेड करू नका. लेकिन मैम कोई कन्फर्मेशन तो करेगा, कोई सामने आ रहा है, इसीलिए तो एक्सपर्ट कमेटी रखी हुई है. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.